दोस्तों आज इंडिया वुमेंस वहीं श्रीलंका वुमेंस का यहाँ पर मैच खेला जा रहा है दोस्तों। या आईसीसी अंडर 19 वुमेंस का यहाँ पर मुकाबला खेला जा रहा है आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम इंडिया वुमेंस की कप्तान शेफाली वर्मा ने यहाँ पर टॉस जीता और पहले यहाँ पर गेंदबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया वुमेंस यहाँ पर गेंदबाजी करने होती तो वहीं श्रीलंकन टीम इंडिया जो है वो यहाँ पर बल्लेबाजी करने होती। श्रीलंका अंडर 19 वुमेंस की टीम बल्लेबाजी करने होती और उनकी तरफ से यहाँ पर नेथमी सनाथना वहीं यहाँ पर सुमंदु निसन्ना दोनों यहाँ पर ओपनिंग यहाँ पर पार्टनरशिप करने उतरी। निसमी सताना ने यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाई और यहाँ पर इंडिया की गेंदबाज साधु ने पहली ही गेंद पर यहाँ पर नेथमी को 0 रन के स्कोर पर आउट किया। कैच लपका देवी ने और यहाँ सतारमा पहली गेंद पर मैच की पहली गेंद पर यहाँ पर आउट हुई डक के स्कोर पर। बेहद ही बड़ा झटका दिया श्रीलंका टीम को। इसके बाद विकेट कीपर बल्लेबाज निशांकल ने 5 गेंदों पर 2 रन बनाए। कश्यप गेंदबाजी करने तिवारी ने कैच लपका 2 रन के स्कोर पर निशांकल को आउट किया। तीसरे नंबर पर कप्तान खुद बल्लेबाजी करने गुणा रत्ने ने विश्वी गुणा ने बेदी शानदार बल्लेबाजी करी। 28 गेंदों पर 25 रन बनाए और अपनी पारी को टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 2 चौके लगाए 89.28 की शर्ट से। तो यहाँ चोपड़ा गेंदबाजी करने आई और उन्होंने कैच लपका और यहाँ पर कप्तान विश्वी गुणा ने को यहाँ पर 25 रनों के स्कोर पर चलता गया और बेहद ही बड़ी उम्मीद यहाँ पर श्रीलंकन टीम के लिए टूट चुकी थी। चौथे नंबर पर यहाँ पर आई जेमी विहंगा। यहाँ पर चौथे नंबर पर आया जेमी विहंगा ने 10 गेंदों को सामना करते हुए 2 रन बना दिए 20 की शर्ट से। और यहाँ पर कश्यप ने गेंदबाजी करी यहाँ पे LBW आउट किया जेमी विहंगा को। वहीं यहाँ पर बात कर लेते दोस्तों पाँचवें नंबर पर यहाँ पर बल्लेबाजी करने उतरी उमान्या रतियांग की। अभी ये बल्लेबाजी कर रही है 20 गेंदें खेलकर 5 रन बना चुकी है और 25 के सेट से यहाँ पर इनकी बल्लेबाजी चल रही है और अभी तक नाबाद है। वहीं इसके बाद छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने के मानिंदु नेकरा ने 16 गेंदों पर 5 रन ही बनाया। चोपड़ा ने अभी गेंदबाजी करी और देवी ने शानदार कैच स्लिप में यहाँ पर डाई मारी और 31 के सेट से रन बनाकर चोपड़ा के हाथों ये आउट हो गई 5 रन के स्कोर पर। सातवें नंबर की बल्लेबाज VRA70 अभी यहाँ पर बल्लेबाजी करने उतरी है। VRA70 ने यहाँ पर पहली गेंद फेंकी और एक गेंद अभी तक एक भी रन नहीं बना पाई यहाँ पर। दोस्तों बात करते हैं एक्स्ट्रा रन भी अभी टीम ने एक भी नहीं दिया। शानदार गेंदबाजी थी अभी तक इस मैच में। टोटल अभी तक यहाँ पर श्रीलंकन वुमेंस अंडर 19 की टीम ने 13.3 ओवर के अंदर यहाँ पर 5 विकेट खो दिए और यहाँ पर 39 रन बना दिए हैं अभी तक और 2.88 रन रेट से श्रीलंकन अंडर 19 वुमेंस की टीम यहाँ पर बल्लेबाजी कर रही है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर टीम ने अच्छी गेंदबाजी करी और किस प्रकार विकेट लिया। टीम इंडिया ने पहला विकेट यहाँ पर लिया मैच की पहली गेंद पर नेथमी सनाथना को आउट कर 0 रन के स्कोर पर टीम श्रीलंका का पहला विकेट गिरा। इसके बाद दूसरा विकेट लिया 8 रन के स्कोर पर यहाँ पर निशांकल का। तीसरा विकेट लिया यहाँ पर विहंगा का। चौथा विकेट 31 रन के स्कोर पर 5 विकेट 39 रन के स्कोर पर गिरा। वहीं छठा विकेट अभी गिरा यहाँ पर 39 रन के स्कोर पर। वहीं यहाँ पर श्रीलंकन टीम अभी 14 ओवर के अंदर ही 39 रन ही बना पाई है 5 विकेट खोकर। दोस्तों देखते हैं ये स्कोर आगे और कितना पहुँचा पता है। क्या टीम श्रीलंका यहाँ पर 100 रन भी बना पाएगी यह देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर श्रीलंकन टीम की किस प्रकार यहाँ पर धज्जे उड़े टीम इंडिया की गेंदबाजी की। टीम ने भी शानदार गेंदबाजी करी आज के मैच में और अभी भी शानदार गेंदबाजी कर रही है। तीता संधु यहाँ पर पहली गेंद पर विकेट लेकर यहाँ पर श्रीलंकन टीम को दबाव में डाल दिया है पहली गेंद से। तीता संधु ने यहाँ पर 3 ओवर फेंके 10 रन दिए 1 विकेट निकाला 3 पॉइंट यहाँ पर 33 की इकोनॉमी से विधि शानदार अच्छी गेंदबाजी करी। वे मन्नत कश्यप ने 4 ओवर फेंके 2 विकेट लिए 4 की इकोनॉमी से 16 रन दिए 1 मेडल निकाला। सोनम यादव ने 3 ओवर में 7 रन दिए जो बन 33 की इकोनॉमी से विकेट मिला लेकिन गेंदबाजी अच्छी रही। वही प्रशांत वी चोपड़ा ने 3 ओवर में 1 मेडल 3 रन दिए और 3 विकेट निकाले 1 की इकोनॉमी से बेदी शानदार गेंदबाजी करी। इन्होंने पूरा मैच ही पलट के रख दिया यहाँ पर प्रशांत वी चोपड़ा ने आज के मुकाबले में। अर्चना देवी ने 1 ओवर में 3 रन दिए 3 की इकोनॉमी से इन्होंने एक विकेट नहीं लिया लेकिन गेंदबाजी बेदी शानदार रही। वही दोस्तों शेफाली वर्मा दोस्तों अभी इसके बाद यहाँ पर बल्लेबाजी करने उतरे और आज का मुकाबला इंडिया